नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बेहद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम डेली अपडेट में। आइए बढ़ते हैं मुख्य खबरों की ओर। एमसीडी चुनाव में शानदार जीत के बाद ही आपकी हुंकार, केजरीवाल बोले, मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस चुनाव में आपने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए शानदार जीत हासिल की है। हमने दिल्ली और दिल दोनों जीत लिए हैं। दिल्ली एमसीडी में आपकी जीत पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत मिल गई है और आम आदमी पार्टी को। वही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि दिल्ली देश का दिल है और आम आदमी पार्टी ने दिल जीत लिया है। जीत में गदगद आपके कार्यकर्ता ने लगाया नारा भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल बोले आई लव यू टू। दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव के लिए बुधवार को मतगणना आम हो गई है और आम अधिकारी आम आदमी पार्टी के एमसीडी चुनाव में नतीजों में बहुमत हासिल किया है। एमसीडी चुनाव जीतने के बाद ही केजरीवाल बोले हमें राजनीति नहीं करनी है, मिलकर काम करना है। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का ये सिर्फ दूसरा चुनाव है और पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया है। केजरीवाल अब दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी किंग, बीजेपी की 15 साल की बादशाहत खत्म, कांग्रेस का तो हाल बेहाल। नगर निगम चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है और आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। आपकी झाड़ू के आगे नहीं चला बीजेपी के, तीन दांव हाथ से निकल गई एमसीडी चुनाव। एमसीडी चुनाव में अपनी 15 साल पुरानी सत्ता पर बरकरार रहने के लिए दिल्ली में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 15 साल के वर्चस्व को ध्वस्त कर दिया है। G20 के लिए राजधानी देश में शुरू और विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत हिंदुस्तान में किया जाएगा और यूरोपीय संघ सहित ही 19 देशों के समूह वाले G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी इस बार भारत को मिली है और साल 2008 में आई आर्थिक मंदी को देखते हुए G20 का गठन किया गया था। एमसीडी के नए बादशाह केजरीवाल, बीजेपी का डहा किला, लोकसभा में सेंधमारी का अगला टारगेट। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और बीजेपी का रथ 104 सीटों पर ही जाकर रुक गया है। तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीत पाई है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं। मेकअप बिगड़ने से नाराज हुई दुल्हन, पहुंची थाने, ब्यूटिशियन के खिलाफ ही दर्ज कराई FIR। मोनिका पाठक ने बताया है कि किसी काम को लेकर बाहर जा रही थी। दुल्हन अपने पार्लर से जाकर कर्मचारी से मेकअप करवा सकती है। ड्रग्स की ओवरडोज से ली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान, जांच में जुटी पुलिस। सार्थक नशा करने का आदि था और नशा करने की बात को लेकर उसका उसके परिवार से विवाद होता रहता था, जिसके कारण ही वह घर में अपना घर छोड़कर एक मित्र के साथ रहने चला गया था। कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मोदी सरकार ने जारी की पहली किस्त, मंत्री तुलसी सिलावट ने की पुष्टि। जबलपुर प्रवास पर आए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दावा किया है कि 70% अन्नदाताओं के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। फिलहाल 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा में नंगे पांव शामिल हुए मतदान प्रजापत और बालूतरा को जिला बनाने की मांग। कांग्रेस की भारत जोड़ यात्रा में राजस्थान पहुंच चुकी है और जहां पर कांग्रेस के बाड़मेर जिले के विधायक मदन प्रजापत बालूतरा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। एशिया कप की डिबेट में फिर कूदे सीरीज रजा, बोले टूर्नामेंट को मेजबान से दूर ले जाना ठीक नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रजीम राजा एक बार फिर से एशिया कप 2023 की डिबेट में छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट को मेजबान से दूर रखा जाना ठीक बात नहीं है। पीएम मोदी ने संसद सत्र चलाने के लिए सभी दलों से मांगा सुझाव और बोले हैं कि युवा सांसद की भावनाओं को समझें। पीएम मोदी ने कहा है कि सत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान, मेरिट में मिलेगी इतने अंकों की छूट। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत ही अंत्योदय परिवार को जिनकी आय 1 लाख से कम है उन्हें मेरिट में 50% नंबरों की छूट दी जाएगी।
पंजाब में मासूम की खरीद फकोश्त करने वाली गिरोह का भंडाफोड़। पंजाब पुलिस बच्चों की खरीद फकोश्त करने वाली एक गिरोह को गिरफ्तार कर चुकी है। इस गिरोह की महिलाएं आशा वर्करों से जानकारी लेती थी और इस घर में पैदा हुआ बच्चा फिर वहां से खरीद लेती थी। छात्र संगठनों में झड़प के बाद ही पुलिस छापनी में तब्दील हुआ हिमाचल विश्वविद्यालय। आउटर्स की एंट्री पर बैन। हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों की लड़ाई में कोई बात नहीं थी, जहां पर मंगलवार को हुई खूनी संघर्ष में करीब 10 छात्र छात्राएं घायल हुए हैं और लड़ाई के बाद ही कैंपस में पुलिस तैनात है। एमसीडी चुनाव की मतगणना समाप्त। आपने 34 सीटों पर दर्ज की जीत। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव की मतगणना समाप्त हो चुकी है और एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें और बीजेपी ने 104, कांग्रेस ने 9 और अन्य निर्दलीय ने 3 सीट हासिल की है। डेली अपडेट में बस इतना ही। ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनसेतु, जनसे सरोकार।